वर्ष भी हमारा मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि किसी भी प्रकार के हादसे में कोई अपनी जान न गंवाए। उसके लिए शराब पी करके या नशा करके गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों को ब्रेथ एनालाइजर्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों पर हम कठोर कार्रवाई कर पाएँ। इसके अतिरिक्त जो भीड़भाड़ वाली स्थल है वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था तो रहेगी ही, परंतु कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो बच्चों के लिए या किसी के लिए भी सुरक्षित उन्हें नहीं कहा जा सकता, वैसी जगहों पर भीड़भाड़ इकट्ठा ना हो, कोई जा ना पाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सर, कितने पुलिसकर्मी उस दिन 31 और 1 तारीख को तैनात रहने वाले हैं? क्या बल एक्स्ट्रा भी लगाया जाएगा? देखिए, ये जो है मुख्य रूप से ज़िला पुलिस का जो बल है वही इसमें तैनात रहेगा। दीगर यूनिट्स का बल इसके लिए बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है, तो हम लोग अपने ही रिसोर्सेज से ये पूरा प्लान करेंगे। सर, देखते हैं नए साल के जश्न में कई बार ड्रग्स और जो नशीली जो भी चीज़ें रहती हैं वो परोसी जाती हैं, तो क्या ड्रग्स और इन चीज़ों पर भी आप नज़र बनाए रखते हैं? देखिए, वो डेफिनेटली किसी भी प्रकार के नशे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कॉम्बिक गश्त का भी चल रहा है क्या सर नए साल पे? क्या कॉम्बिक गश्त भी आप लोग कर सकते हैं? नहीं नहीं, उस दिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल ही अलग रहेगा। उस दिन जो है हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी हादसे में जान न गंवाएं।